हेलो गाइस, कैसे हैं आप? जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं वो करनाल की लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूं। आज एक नई और वैकेंसी आई है जो कि वीजा काउंसलर से रिलेटेड आई है। लोकेशन आपको बस स्टैंड की मिल जाएगी और उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट रहेगी वीजा एज ए काउंसलर की रहेगी। वीजा इमिग्रेशन का ऑफिस है, इसके अंदर मुझे 12th BA या ग्रेजुएट कैंडिडेट्स मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फ्रंट डेस्क की पोस्ट रहेगी। सेकंड एज ए मेरे पास काउंसलर की पोस्ट आई है, जिनको कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के बारे में एज ए काउंसलिंग के बारे में नॉलेज हो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत हैंडसम मिल जाएगी आपको, 25,000 to 30,000 तक की सैलरी रहेगी। नियर बाई लोकेशन बस स्टैंड की और मोहनाल की मिल जाएगी। और इसके अंदर मुझे सबसे बेनिफिट्स आपको ये दे रहा हूँ कि आपको इसमें हाफ सैलरी देनी नहीं है, कंपनी आपको हमें पे आउट करेगी। कोई भी लड़की या लड़का इसमें जॉब करना चाहता है वीजा लाइन में तो उसमें आपसे किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि करनाल के अंदर वीजा इमिग्रेशन हमें खुद पे आउट देती है। तो हम आपको ऐसी जगह लाइनअप करवाएंगे कि जहाँ से आपको अच्छी सैलरी भी मिले और आपका कोई भी हाफ सैलरी देने की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी। कई पर्सन सोचते हैं कि सर हमें हाफ सैलरी देनी पड़ती है कंसल्टेंसी में, तो ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी पोस्ट। लोकेशन आपको सेक्टर 12 की, मुगल कनाल की और आपको बस स्टैंड की लोकेशन मिल जाएगी। और आपको ज़्यादा वीडियो आपके तक मैं पहुँचाता रहूँ तो आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि करनाल के अंदर जितनी भी वैकेंसी आती हैं तो मैं आप तक सबसे पहले प्रोवाइड करवा पाऊँ, उसके लिए थैंक यू। और सेकंड जो मेरे पास रिक्वायरमेंट्स आई हैं एज ए फार्मा कंपनी में आई हैं एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए, इसके अंदर मुझे मेल्स और फीमेल्स की रिक्वायरमेंट है। लोकेशन आपको सेक्टर 3 की मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर 12th और ग्रेजुएट और MBA कैंडिडेट्स की मुझे रिक्वायरमेंट है। बैकएंड प्रोफाइल आपको मिल जाएगा। बैकएंड प्रोफाइल में आपको क्या करना होता है कि ऑफिस वर्क से रिलेटेड एक्सेल ईमेल्स वगैरह जो पेपर्स वर्क करने होते हैं वो आपको इस कंपनी के अंदर आपको मिलेगी। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स ये है कि आपको सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है, 14,000 to 15,000 सैलरी रहेगी। टाइमिंग आपको 9:30 to 5:30 तक का रहेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट लेटेस्ट आती है मैं सब तक आप तक प्रोवाइड करवा पाऊँ, उसके लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहे। और आज की जो लेटेस्ट अपडेट आई हुई है वो IT कंपनी से रिलेटेड आई है, जो कि एज ए US से बेस्ड कंपनी है और बहुत ही कम इस कंपनी के बारे में जानते हैं। लोकेशन आपको सेक्टर 12 की मिल जाएगी और सेक्टर 6 की लोकेशन मिलेगी आपको। टाइमिंग आपको 3 शिफ्टों में मिलेगी, जो आपको 7 to 3 की शिफ्ट रहेगी मॉर्निंग की और 3 to 11 की शिफ्ट रहेगी एज ए आफ्टरनून की, और जो थर्ड शिफ्ट रहेगी वो 11 to 7 की रहेगी मॉर्निंग की। तो आपको क्या करना रहता है कि इसके अंदर तीनों शिफ्टों में आपको जॉब मिल सकती है। जो भी पर्सन मेल या फीमेल्स आप जॉब करना चाहते हैं इस कंपनी के अंदर, वर्क आपको PA की पोस्ट रहेगी एज ए प्रोसेस ऑपरेटर का, क्योंकि जैसे आप इंडिया में AGDA विशाल मेगा मार्ट्स होते हैं ऐसे USA की कंपनी है, उसके अंदर आपको एज ए मॉनिटरिंग करनी होती है, बैठ के ही वर्किंग करनी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया के अंदर AGDA विशाल मेगा मार्ट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि हर काउंटर पे लड़की या लड़का खड़ा होता है, तो वहाँ पर आपको सेल्समैन वर्किंग करते हैं। लेकिन जो इस कंपनी के अंदर जो आपका वर्क रहेगा एज ए ऑपरेटर का रहेगा, क्योंकि जैसे आप USA की कंपनी के अंदर आप यहाँ पर वर्किंग करेंगे सिटिंग जॉब रहेगी और सिस्टम वर्किंग रहेगा, उसके अंदर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको USA पर्सन से बात करनी रहती है। तो आपको इसके अंदर ट्रेनिंग भी दी जाएगी और सैलरी भी बहुत हैंडसम दी जाएगी और कैब फैसिलिटी आपको यहाँ से मिल जाएगी। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे वाले इस नंबर पर, मैं आपको जो वीडियो में दे रहा हूँ आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जब मेरे चैनल पे आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि करनाल के अंदर जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सबसे पहले मैं आप तक प्रोवाइड करवा पाऊँ, उसके लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, वेलकम। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको करनाल की लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूं, तो आज मेरे पास जो रिक्वायरमेंट निकली है वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के लिए निकली है, बैंकिंग सेक्टर के लिए। जो प्लस टू पास और ग्रेजुएट कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो बैंक के अंदर रिक्वायरमेंट निकली है वो टैली कॉलर्स के लिए निकली है।
कलेक्शन की जो कॉलिंग्स होती है वो करनी होती है, उसको बोलते हैं रिकवरी डिपार्टमेंट्स के तौर पे। इसके अंदर प्लस टू ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं, 15 to 20,000 सैलरी रहेगी, मेल फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास एक बजाज कैपिटल के अंदर रिक्वायरमेंट निकली है, उसके अंदर आपको एज ए टेलीकॉलर, एज ए डाटा कलेक्शन और एज ए इंडोर सेल्स के लिए वैकेंसी निकली है सीटिंग जॉब के लिए। इसके अंदर प्लस टू और ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ये इंटरव्यू की आपको डेट मैं बताना चाहता हूँ, वो 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक के लिए ये डेट अवेलेबल्स रहेगी। इसके बीच के अंदर इंटरव्यू चलेंगे, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। और आपको इस वीडियो के दौरान कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे को इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, और मेरा ये व्हाट्सअप नंबर भी है जो मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर दे रहा हूँ। और आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप के अंदर, क्योंकि मैं आपको सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट आएगी सबसे पहले मैं आप तक प्रोवाइड करवाता रहूँगा। मैं द्विंदा छाबड़ा शिव जॉब कंसल्टेंसी करनाल से अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ जो मेरे चैनल पर नए आए हैं। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको सोनीपत के अंदर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके तक हर प्रकार की मैं जॉब प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, और जब मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ही कम रिक्वायरमेंट्स निकलती हैं, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो नई लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी वो मैं आप तक प्रोवाइड करवाता रहूँगा। उसके लिए आपका एक शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेयर करने से आपका भी कुछ बेनिफिट्स रहता है कि उनके नॉन स्किल जिन पर्सन को जॉब की ज़रूरत होती है उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं हर दूसरे तीसरे दिन आपके लिए सोनीपत के अंदर जो भी वैकेंसी निकलती है मैं आप तक प्रोवाइड करवाता रहूँगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको करनाल की लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ। आज 5 मार्च है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जो BA, BCA, MSc, BSc कैंडिडेट्स हैं जो फार्मा कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए बैक एंड प्रोफाइल के लिए मैं आपके लिए जॉब लेके आया हूँ। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी फ्रेशर कैंडिडेट्स रहेगा, 14 to 60,000 सैलरी रहेगी। और उसके बाद जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनकी सैलरी 18 to 20,000 तक की रहेगी। बैकएंड प्रोफाइल का वर्क रहेगा। सेकंड जो मेरे पास कंपनी आई है वो रिटेलिंग लाइन की कंपनी है, उनको कंप्यूटर ऑपरेटर्स वॉइस चाहिए और जिसको एक्सेल पे काम आता हो और BG सॉफ्टवेयर पे वर्क कर सके। लोकेशन आपको सेक्टर 12 की मिल जाएगी और हैंडसम सैलरी दे रहे हैं, PF ESI उसमें आपको कटने को मिलेगा। थर्ड जो मेरे पास कंपनी आई है वो आई है IT सेक्टर में। इस कंपनी के लिए मुझे MBA HR में भी रिक्वायरमेंट्स हैं और हार्डवेयर नेटवर्किंग के लिए जो मेल्स एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। ये मेरे पास रिक्वायरमेंट्स आई हैं आज की डेट की। और इसके बाद मेरे पास एक एग्रीकल्चर की कंपनी आई है, इसके अंदर मुझे BCom या एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स HR के बेस पे और अकाउंटेंट के बेस पे रिक्वायरमेंट आई है। जो भी इंटरेस्टेड है, मेल है या फीमेल है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। 7 मार्च को इनका इंटरव्यू रहेगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको ये ऑफिस करनाल के अंदर है अपना शिव जॉब कंसल्टेंसी, रेलवे रोड निर्मल मार्केट में, और मैंने अपना नंबर भी दिया है इस वीडियो में। आप मेरे को इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको उसके बाद मुझे अपना CV भेज सकते हैं, मैं आपको इस चीज़ के बारे में आपको डीपली नॉलेज भी दे सकता हूँ। सबसे बड़ी बेनिफिट्स ये है कि आप इसके अलावा कोई पर्सन इंटरेस्टेड है कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए, तो मेरे पास एक डिजिटल लेवल की कंपनी से रिक्वायरमेंट आई है, जिसने BA BCom की हो, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल ठीक हो और कंप्यूटर में वर्किंग करना चाहता हो, तो उसको हम डिजिटल लेवल का काम भी सिखाएंगे और सैलरी भी अच्छी देंगे। क्योंकि करनाल के अंदर हर कोई सोचता है कि मुझे सेटल होना है, और आज की जनरेशन में डिजिटल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आने लग चुकी हैं, जिसको लैंग्वेज से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड पेज बनाने होते हैं, वो आपको प्रमोट भी करेंगे, काम भी सिखाएंगे और ट्रेनिंग भी देंगे। उसके अंदर मुझे अकाउंटेंट्स की भी रिक्वायरमेंट्स हैं, और सबसे ज़्यादा ये कि जो प्लस टू पास कैंडिडेट्स हैं वो भी इस वीडियो में जो देख रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि करनाल के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी जॉब अवेलेबल्स हैं।
और इसके अलावा मेरे पास फार्मा कंपनी में रिक्वायरमेंट्स आई हैं ज़्यादातर, उसके अंदर मुझे हेल्पर्स कैंडिडेट्स भी रिक्वायरमेंट्स कर सकते हैं जो 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं, लोकल करनाल से हैं या आसपास विलेज से हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 9 to 7 की टाइमिंग रहेगी और सैलरी भी आपको 9 to 10,000 ऐसे हेल्पर को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे आप चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो भी नई वीडियो आएंगी सबसे पहले मैं आप तक प्रोवाइड करवा पाऊँ, उसके लिए आपका एक शेयर होना बहुत ज़रूरी है और इसको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। हेलो गाइज, कैसे हैं आप? मैं आपको करनाल के अंदर आज बहुत ही अच्छी पोस्ट आई हैं जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि करनाल के अंदर 15 से 20 पोस्टें जो आज की डेट के अंदर आई हैं 16 मार्च के अंदर, ये आप 20 मार्च तक भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेल फीमेल्स और जो सीनियर पर्सन है सभी के लिए आज मैं आपके लिए जॉब लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको आज एक्सिस बैंक के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके अंदर मुझे एज ए ऑपरेशंस के अंदर रिक्वायरमेंट्स निकली है, लोकेशन आपको करनाल्स की मिल जाएगी। जिस पर्सन ने ऑपरेशंस में वर्क किया हो वो अप्लाई कर सकते हैं, अपना सीवी मुझे शेयर कर सकते हैं। सेकंड, मेरे पास जो रिक्वायरमेंट्स आई हैं वो बजाज कैपिटल के तौर पे आई है। इसके अंदर मेल फीमेल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको इंडोर सेल्स की जॉब रहेगी जो कि सीटिंग जॉब रहेगी, सैलरी स्ट्रक्चर 14 to 15,000 तक की ही रहेगा। इसके अलावा मैं आपको आज एग्रीकल्चर की कंपनी के लिए अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट निकली है। जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं जिसको टैली GST बैलेंस शीट TDS के बारे में नॉलेज हो, उनको हम सैलरी कम से कम 30 to 35 तक कंपनी देने के लिए रेडी है। जिस पर्सन को एक्सपीरियंस है 4 to 5 ईयर का वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, और जिनको 2 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस है वो मिल्क प्लांट की कंपनी है हमारे पास, उसके अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन आपको करनाल की मिल जाएगी, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो आप मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 10+2 पास के लिए रिक्वायरमेंट्स आई हैं एज ए हॉस्पिटल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए। जो भी इंटरेस्टेड है इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब आई है वो एक तो ऑन रोल जॉब रहेगी, जो हर कोई कहते हैं सर मुझे पक्के में जॉब करनी है डे नाइट के लिए, तो आपको PF ESA आपको कटने को मिल जाएगा। 15 दिन आपको दिन में करनी है, 15 दिन रात में करनी है। इसके अंदर आपको सैलरी 11 से 12 हज़ार रुपये तक की मिल जाएगी। और इसके अलावा मेरे पास आज एग्रीकल्चर की कंपनी के अंदर जो आपको बताई है एज ए उसके अंदर अकाउंटेंट भी चाहिए और एज ए बैक ऑफिस के लिए रिक्वायरमेंट भी चाहिए। और फोर्थ कंपनी आई है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, उनको एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। जो पर्सन सेल्स में काम करना चाहते हैं, जो आउट ऑफ लेवल पे काम करना चाहते हैं, जैसे कि आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज पे काम मिल जाएगा, करनाल सोनीपत अम्बाला दिल्ली बॉम्बे तक आप उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं, तो 30 to 35,000 तक वो सैलरी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि उसके अंदर एज ए पार्टियों से डीलिंग करने का काम रहेगा। और इसके अलावा मेरे पास कलेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट्स निकली हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए। जिस पर्सन ने कलेक्शन करना चाहते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, प्लस टू पास भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन आपको करनाल की मिल जाएगी, साइट तो आपको गोरंडा की और अम्बाला तक की आपको वेरिफिकेशन करके आनी होती है, जो कलेक्शन का डिपार्टमेंट्स होता है। और इसके अलावा कोई लड़की है या कोई लड़का है डाटा एंट्री का काम करना चाहता है वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो उसको भी हम आपको जॉब प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज 15 से 16 वैकेंसी निकली है, बहुत अच्छा लग रहा है, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी वैकेंसी ओपन हो चुकी है। जिस भी वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि करनाल के अंदर इतनी वैकेंसी अभी अवेलेबल्स हैं, तो आपको जिस तरी कैटेगरी में आपको जॉब करनी है वो हम आपको प्रोवाइड करवा के देंगे। और आपको लगता है कि मुझे अप्लाई करना चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, उसके लिए आप मेरे साथ बने रहें मेरे चैनल के साथ। और आपको आज मैं सबसे बेस्ट एक न्यूज़ सुनाना चाहता हूँ। जिस पर्सन को बैक या गर्दन का सर्वाइकल होता है, जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं और वो मतलब उसका इलाज भी नहीं करवा पा रहे, तो मेरे पास एक रामनगर में एक पर्सन रहते हैं जो इसी चीज़ का वो इलाज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए, और मैं आपको उनका नंबर भी आपको दे दूंगा। जिसको बैक में या गर्दन में सर्वाइकल होता है उसको वहाँ पर जाने के बाद उसको आराम मिल जाएगा, 100% ग्रंटेड है। और रामनगर की लोकेशन रहेगी, जिस भी मेरे सिस्टर को मेरे ब्रदर को या मेरे फैमिली में या आपकी फैमिली में किसी भी पर्सन को
कोई प्रॉब्लम्स है जो गर्दन के सर्वाइकल का होता है वो आप इलाज नहीं करवा पा रहे हैं या फाइनेंस प्रॉब्लम है, तो आप एक बार उनसे ज़रूर मिलिएगा, क्योंकि आपकी वो हेल्प कर सकते हैं और आपका जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो भी आपको दूर कर सकते हैं। जब आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि देखो कोई ना कोई हर किसी की हेल्प करता है, तो हम भी सोचते हैं कि हमारा भी मोटिवेट रहता है कि चलो कहीं जॉब कंसल्टेंसी की तो हेल्प करते ही हैं, जो हमारे पास और नई इंक्वायरी आती है वो भी मैं आप तक प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो देखो ये मेरा टॉपिक थोड़ा अलग था, क्योंकि किसी की चलो हेल्प होती है, जो बैक प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसको पढ़ सकता है, और आपको लगता है कि आपको ये सही लगता है तो आप जाना चाहते हैं, तो मैं आपको उनका नंबर शेयर कर दूंगा, आप उनसे कॉल कर सकते हैं और आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और आपको लगता है कि मुझे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, क्योंकि देखो किसी की हेल्प हो जाए तो और क्या चाहिए। करनाल के अंदर जैसी सिटी है उसके अंदर जैसे सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी आपको हम इम्प्रूवमेंट करवाते रहेंगे। और जो आप मेरे साथ नए चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको लगता है कि मुझे अकाउंटेंट के लेवल, कंप्यूटर ऑपरेटर लेवल, या फ्रंट ऑफिस, या टेलीकॉलर्स, या एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर में जॉब करनी है, तो आप एक बार मुझे जरूर कॉल कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको हर तरीके की हेल्प प्रोवाइड करवाता रहूँगा। जब आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी मैं आपको एक गुड न्यूज और देना चाहता हूँ, हमारा शिव कंसल्टेंसी जो रेलवे रोड निर्मल मार्केट में 9 नंबर ऑफिस है, इसमें हम आपको हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। देखो हर कंसल्टेंसी, जैसे मेरे को किसी का ऑप्शन आया था कि सर आप फीस लेते हैं कंसल्टेंसी फीस, देखिए कंसल्टेंसी फीस तो हर कोई लेता है, देखिए हम भी लेते हैं, ऐसा क्यों कि हम नहीं लेते हैं, हम देखिए 500 फीस लेते हैं। इसके अंदर आपको 4 इंटरव्यू करवाएंगे अच्छी कंपनी के अंदर और सिलेक्शन भी करवा के देंगे। इन केस आप 1% आप जॉब पे भी नहीं जाते हो लगने के बाद भी, तब भी आपकी फीस रिफंडेबल रहेगी। जब आपको लगता है कि आप पे कर सकते हैं तो तब भी ठीक है, नहीं तो आप आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद भी दे सकते हैं। मैं आपको अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट करता रहूँगा और आपकी हर तरीके की हेल्प प्रोवाइड करवाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं आपका अपना देविंदर, शिव जॉब कंसल्टेंसी करनाल से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको करनाल की लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ, तो आज मैं करनाल के साथ 4 डिस्ट्रिक्ट में और वर्किंग करने जा रहा हूँ। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे पास पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी इंटरेस्टेड अप्लाई करना चाहता है एज ए हेल्पर से लेकर एज ए मैनेजर तक की हमारे पास वैकेंसियाँ रहती हैं, उसके लिए मैं आप तक प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसके अलावा मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में भी अभी वर्किंग करने जा रहा हूँ, और दिल्ली के अंदर NCR के अंदर भी जो पर्सन जॉब करना चाहते हैं वो भी मैं उनको जॉब प्रोवाइड करवा पाऊँ। उसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो भी अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर जॉब करना चाहता है या यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जॉब करना चाहते हैं, तो इन सभी के अंदर हम शिव जॉब कंसल्टेंसी की ओर से देविंदर छाबड़ा आपको हर तरीके की सपोर्ट प्रोवाइड करवाता रहेगा। और आपको ये लगता है कि मुझे जॉब करनी चाहिए, तो आपको इन सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देख के आ सकते हैं, उनको हम स्पेशल तौर पे इनवाइट भी करते हैं, उनका थैंक्स फॉर, क्योंकि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको करनाल के अंदर जो रिक्वायरमेंट आती है वो तो मैं आप तक प्रोवाइड करवाता ही हूँ। इसके अलावा आप पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर तरीके की वैकेंसियाँ आती हैं वो भी कर सकते हैं अप्लाई। और इसके अलावा मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी अभी वर्किंग करता हूँ, क्योंकि जो भी पर्सन कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जॉब करना चाहते हैं उसको भी मैं अपनी तरफ से सपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अच्छी कंपनियाँ हैं जो भी इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनियाँ रहेंगी, जिसके अंदर PF ESI नॉर्मली बेसिक तौर पर कटता है। और इसके अलावा जो भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंक्वायरी चाहिए, आप इसी वीडियो को देखते हैं और उसके अंदर मैंने अपना नंबर भी दिया है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और जो कॉलिंग करने का टाइमिंग रहेगा 9 to 6 के रहेगा, आप इसके बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे पास हर तरीके की वैकेंसियाँ रहती हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरा हरियाणा के अंदर वर्किंग करूँ। बट अभी मैं आपको ये 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वर्किंग करने जा रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर जॉब प्रोवाइड करवा सकता हूँ। लोकल पानीपत के अंदर ही करना चाहते हैं इंटरेस्टेड तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो पर्सन जॉब करना चाहते हैं, हर तरीके की जॉब्स हमारे पास अवेलेबल्स रहती है एज ए PN से लेके एज ए मैनेजर लेवल तक की हमारे पास वैकेंसियाँ रहती हैं।
और आपको जो भी इंक्वायरी चाहिए आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं या मुझे आप पर्सनल नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऑन करने का बेनिफिट्स ये है कि जो कि आपके पास मैं वीडियो भेजता हूँ उसकी सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच पाए। उसके लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। और आपने इतना प्यार दिया मुझे पहले वाली वीडियो के लिए, उसका मैं अपने तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपने इतना प्यार दिया इसलिए मुझे अब चार डिस्ट्रिक्ट के अंदर और वर्किंग करने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके तक अपनी शिव कंसल्टेंसी की और करनाल से देवेंद्र छाबड़ा हर तरीके की सपोर्ट प्रोवाइड करवाता रहे। उसके लिए आप मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक शेयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकता है, अगले पर्सन की लाइफ भी सेटल हो सकती है। मेरा मोटिवेशन यही रहता है, क्योंकि करनाल के अंदर जो वैकेंसी आती हैं वो तो मैं अब तक प्रोवाइड करवाता ही हूँ, और ये चार डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मुझे वर्किंग करनी है वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर कोई सोचता है कि मुझे अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, अच्छी पॉजिटिव थिंक के लेवल पे मुझे काम मिलना चाहिए कि जिससे मैं सक्सेस हो पाऊँ। तो वो मेरा मोटिवेशन रहता है कि मैं आपको अपना बेस्ट दे पाऊँ और आप तक ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी भेज पाऊँ। उसके लिए आपका भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ अपने वर्किंग के लिए और आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि करनाल के अंदर या पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर या अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर या इसके अलावा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और कोशिश करूँगा कि मैं पंजाब की तरफ भी वर्किंग करूँ, बट मैं अभी ये चार डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी वर्किंग करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा काम है और मैं इनकी तक कंपनियों के अंदर अच्छी से कैंडिडेट्स प्रोवाइड करवा पाऊँ। उसके लिए आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको लगता है कि आपको किसी तरीके की कोई इंक्वायरीज हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपको अपनी तरफ से मैं पूरी सपोर्ट करूँगा। और आपको लगता है इसके अलावा कि मुझे जॉब के लिए आना है, आप मेरे ऑफिस में कभी भी विजिट कर सकते हैं, 9 to 6 की टाइमिंग रहेगी और संडे हमारा ऑफिस ओपन रहता है, कभी भी आप आना चाहें मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ भी बदल सकता है, उनके लाइफ का इम्पोर्टेंट वेचर वो भी आप बन सकते हैं। क्योंकि मोटिवेशन तो देखो हर कोई करता है, लेकिन मेरा मोटिवेशन यही रहता है कि देखो गरीबी है करनाल के अंदर, अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो भी मैं उसको दूर कर पाऊँ। अपनी फैमिली को देखो हम तो सपोर्ट करते हैं, आप भी उस वीडियो को देखते हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप भी किसी की हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ बताना चाहता हूँ। जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि करनाल के अंदर जितनी भी वैकेंसी आती हैं मैं सबसे पहले आप तक प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आज मेरे पास आईटी कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट आई है, इसके अंदर मुझे एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट्स है, 2 पोस्ट है जिसके अंदर आपको एक्सेल से रिलेटेड काम आना चाहिए और बीजी सॉफ्टवेयर का वर्क रहेगा। जो भी पर्सन को बीजी सॉफ्टवेयर आता है या कंप्यूटर में स्किल अच्छी है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, और सैलरी आपको 12 to 15,000 रहेगी। लोकेशन आपको सेक्टर 12 की मिल जाएगी। सेकंड पोजीशन मेरे पास आई है एज ए हार्डवेयर नेटवर्किंग के लिए, इसके अंदर मुझे आईटी सेक्टर का जो पर्सन है जिसको हार्डवेयर के बारे में नॉलेज है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। 14 to 15,000 तक की सैलरी कंपनी आपको प्रोवाइड करवा रही है, और लोकेशन आपको रेलवे रोड की मिल जाएगी, और आपको सेकंड लोकेशन सेक्टर 12 की मिल जाएगी। और थर्ड मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है वो भी आईटी कंपनी में आई है, एज ए सॉफ्टवेयर मैनेजर की रिक्वायरमेंट है जिसको आईटी सेक्टर के बारे में डीपली नॉलेज हो, 30 to 35,000 तक की सैलरी रहेगी। लोकेशन आपको सेक्टर 14 की मिल जाएगी, नियर बाय करनाल की। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपको लगता है कि मुझे इस वीडियो को देखते हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे इसके अंदर 14 मार्च को इंटरव्यू लाइनअप करवाने हैं, इसलिए मैं आपको ये वीडियो आपके पास बना के भेज रहा हूँ। क्योंकि आप कल संडे रहेगा तो इसके अंदर आप अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं और मंडे आप
लाइनअप कर सकें इंटरव्यू के लिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपका अपना देविंदर शिव जॉब कंसल्टेंसी से अपने यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं या आप नए चैनल पे देख रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले मैं आप तक प्रोवाइड करवाता रहूँ, उसके लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। हेलो गाइज, कैसे हैं सब आप? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देविंदर छाबड़ा शिव जॉब कंसल्टेंसी की ओर से आप सभी को हैप्पी होली। और जो आपको मैं आज ये वीडियो बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर जो वैकेंसी ओपन हुई है वो 19 मार्च से लेके 20 मार्च तक के लिए ये जॉब पोस्ट अवेलेबल से रहेंगी। जिस पर्सन को भी जॉब में इंटरेस्ट है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 पास और एज ए हेल्पर के लिए ये मैं पोस्ट बना रहा हूँ। जिस पर्सन ने मुझे कमेंट करके बोला था कि सर हमें ऑफिस बॉय के लिए जॉब चाहिए नियर बाय बस स्टैंड की लोकेशन के लिए, तो मेरे पास वो रिक्वायरमेंट आ चुकी है। वीज़ा इमिग्रेशन का ऑफिस रहेगा, टाइमिंग 9 to 6 की रहेगी। उसके अंदर आपका जो PN का वर्क रहेगा और सैलरी 8 to 10,000 रहेगी। और इसके अलावा मेरे पास एज ए पैकिंग प्रोफाइल के लिए रिक्वायरमेंट आई है। एज ए जो कंपनी है वो कोट पेंट की कंपनी है। जिस भी पर्सन को एक्टिवा या बाइक चलानी आती हो, क्योंकि मार्केट का काम रहेगा, थोड़ा बहुत पैकिंग का काम रहेगा, इसके अंदर मेल फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अंदर सैलरी भी आपको 8 से 10,000 रुपये तक की मिल जाएगी। नियर बाई लोकेशन आपको घंटाघर चौक की मिल जाएगी। इसके अलावा जो मेरे पास थर्ड रिक्वायरमेंट आई है वो एज ए स्वीपर्स के लिए आई है। जो पर्सन साफ़ सफाई कर्मचारी में इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर उनको जॉब मिल जाएगी और वीजा इमिग्रेशन के ऑफिस में उनको जॉब मिल जाएगी। सैलरी उनकी 11,000 रुपये तक की ही मिल पाएगी, क्योंकि उसके अंदर ड्यूटी रहेगी जो वो 12 आवर्स की रहेगी। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 15 दिन दिन में भी कर सकते हैं, 15 दिन नाइट में भी जॉब कर सकते हैं। आपको ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और जिस भी मैम को एज ए मेड में काम करना है, जो भी घर पे काम करना चाहती है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें होम मेड के लिए भी रिक्वायरमेंट आ चुकी है। लोकेशन आपको सेक्टर 13 की मिल जाएगी और सेक्टर 6 की लोकेशन मिल जाएगी। सैलरी भी आपको 10 से 12,000 रुपये तक की मिल जाएगी। 9 से 6 की ड्यूटी मिल जाएगी और इसके अंदर आपको वहाँ उनकी तरफ से लंच आपको फ्री मिलेगा। जो आपको ये लगता है कि मुझे जॉब करनी चाहिए, जो आप अप्लाई करना भी चाहते हैं, तो मैंने अपनी वीडियो में नंबर दिया गया है, इस पर मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और एक और मैं आपको लेटेस्ट जो न्यूज़ देना चाहता हूँ वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए रिक्वायरमेंट आई है। इसके अंदर 10वीं 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूटी 12 आवर्स की रहेगी। इसके अंदर आपको 15 दिन दिन में मिल जाएगी और 15 दिन रात में मिल जाएगी। लोकेशन आपको ITI चौक की मिल जाएगी और आपको नमस्ते चौक की लोकेशन मिल जाएगी। इसके अंदर आपको 15 दिन ड्यूटी दिन में करनी है, 15 दिन रात में ड्यूटी करनी है। मेल्स की शिफ्ट रहेगी ओनली, क्योंकि आप इसमें कई पर्सन पूछते हैं कि सर फीमेल भी कर सकती है गार्ड की जॉब, तो हमारे पास अभी ओनली जेंट्स प्रोफाइल के लिए रिक्वायरमेंट आई है, वो अप्लाई कर सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए। 12,500 रुपये तक की सैलरी रहेगी और वो PF ESI उसके अंदर से ही कटेगा। और मैं आपको अभी जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं, अब मैं उनके लिए कुछ वैकेंसियाँ बताना चाहता हूँ। जो MBA या BCA या BBA कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेरे पास एज ए एग्जीबिशन की कंपनी आई है। उसके अंदर आपको एज ए बैकएंड प्रोफाइल का काम रहेगा। कंप्यूटर कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर सीटिंग जॉब रहेगी और सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहेगी। लोकेशन आपको सेक्टर 6 और सेक्टर 13 की मिल जाएगी। इसके अंदर मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और जो 10+2 पास हैं, जिनको कंप्यूटर ऑपरेटर की नॉलेज है, जिनको एक्सेल शॉर्टकट और एडवांस एक्सेल के बारे में नॉलेज है, वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेरे पास एज ए कलेक्शन डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट आई है। उसके अंदर आपको डाटा एंट्री का काम रहेगा। जो रिकवरी डिपार्टमेंट की डाटा एंट्री होती है वो आपको फीड करनी रहेगी। टाइमिंग आपको 9 to 6 मिल जाएगी और आपको सैलरी भी बहुत हैंडसम मिल जाएगी। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे को इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ये होता है कि आपको जिस पर्सन को ज़रूरतमंद को वो वीडियो मिलती है तो वो हमें कॉल भी करते हैं और हम उनको अच्छा रिस्पांस दे भी रहे हैं। क्योंकि देखो, जौन सी कैटेगरी में आपको जॉब करनी है वो भी आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स पे मैसेज डाल के बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए वो भी वैकेंसी अवेलेबल करवा पाऊँगा।
जो आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जो भी लेटेस्ट अपडेट आती रहती है करनाल की वो मैं आप तक प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। और आज मेरे पास एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हमारा टाइप हुआ है, तो मैं उसके अंदर 5 से 10 एज ए ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट निकली है। जो भी ड्राइवर ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना जानता हो तो टूर का काम रहेगा, आपको चंडीगढ़ दिल्ली बॉम्बे तक विजिट करना रहेगा, लसेंस आपके पास लाइट हो तब भी चल जाएगा, हैवी लसेंस है तब भी चल जाएगा, उसके अंदर आपको खाना पीना रहना फ्री भी मिल जाएगा जो कंपनी बाहर लेके जाती है, सैलरी 18 से 20 हज़ार रुपये तक की मिल जाएगी। जो आप पर्सनल लोकल कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो भी इस को अप्लाई कर सकते हैं। करनाल में फार्मा कंपनी के अंदर हमें ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट है, और इसके अंदर हमें फार्मा कंपनी के अलावा बीए पास या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उसके अंदर आपको सिटिंग जॉब रहेगी, टेलीकॉलर का वर्क रहेगा, और कंप्यूटर स्किल आपका बेसिक रहेगा, आपको एक्सेल वगैरह फार्मूले वगैरह बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, और टेलीकॉलिंग का आपका वर्क रहेगा। और इसके अंदर सबसे बड़ी मैं बेनिफिट देना चाहता हूँ, क्योंकि जो बी फार्मा कैंडिडेट्स हैं हमें क्वालिटी डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है, जो क्यूसी बोलते हैं उसको, क्यूसी डिपार्टमेंट में जो वर्किंग के बारे में नॉलेज है वो 14 से 16 हज़ार रुपये सैलरी ले सकते हैं। लोकेशन आपको करनाल की भी मिल जाएगी और नेवल जो लोकेशन के अंदर भी रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। जब आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको करनाल की लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ, शिप जॉब कंसल्टेंसी देवेंद्र छावड़ा आपको, क्योंकि करनाल के अंदर अभी लेटेस्ट वैकेंसी आई हैं जो कि 2 मार्च के अंदर ओपनिंग हुई है, और इसके इंटरव्यू की डेट 3 और 4 मार्च तक के ही अवेलेबल्स हैं। वैकेंसियाँ मुझे 5 बॉयज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं और 2 फीमेल्स की रिक्वायरमेंट है। सिटिंग जॉब रहेगी फीमेल्स के लिए और फील्ड वर्क रहेगा बॉयज़ के लिए। जो सिटिंग जॉब रहेगी लड़कियों के लिए उसके अंदर ग्रेजुएट कंपलसरी है, और सिटिंग जॉब के अंदर उनका वर्क रहेगा इंडोर सेल्स का। सैलरी स्ट्रक्चर आपको 14,500 रुपये आपको मिलेगी, पीएफ ईएसआई आपको कटने को मिलेगा इसके अंदर। इंश्योरेंस कंपनी रहेगी, और लोकेशन आपको करनाल के अंदर सेक्टर 12 नियर बाय मिल जाएगी। और जो थर्ड मेरे पास लोकेशन में रिक्वायरमेंट आई है वो भी सेक्टर 12 के अंदर आई है, एज ए बैक ऑफिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। इसके अंदर मुझे ग्रेजुएट कैंडिडेट्स चाहिए, एक्सेल पे वर्क आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन पर सीट चार्ट का काम करना होता है, कुछ शॉर्टकट फार्मूले होते हैं, तो एक्सेल कंपलसरी उनको डिमांड्स है। मेल्स और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी एज पर इंटरव्यू पर लगेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी एक वीडियो किसी के लिए बेनिफिट्स दे सकती है, उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। और मेरे पास फोर्थ वैकेंसी आई है एज ए बैकएंड प्रोफाइल के लिए, जो कि एक लिमिटेड कंपनी है, सेक्टर 3 की लोकेशन रहेगी। इसके अंदर मुझे ग्रेजुएट कैंडिडेट चाहिए, मेल और फीमेल। सिटिंग जॉब रहेगी, पार्टी से ऑर्डर्स वगैरह लेने होते हैं, और उनसे जो जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स रहती है उनसे पूछना होता है कि आपको किस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट्स है, वो फॉलोअप वगैरह लेने रहते हैं। बैकएंड का काम रहेगा, पार्टी से डीलिंग करनी है, कोई कॉल्स आती है वो अटेंड्स करनी है। सैलरी भी आपको बहुत हैंडसम मिल रही है, 15 to 25,000। जो आपको ये वीडियो अच्छी लगती था उस वीडियो को शेयर कीजिए, और आगे जो भी वीडियो आपके पास आए तो सबसे पहले मैं आप तक पहुंचा पाऊँ, इसलिए मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा मोटिवेशन रहता है कि करनाल के अंदर जो भी वैकेंसी आए सबसे पहले मैं आप तक प्रोवाइड करवा पाऊँ। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो मेरे पास अभी रिक्वायरमेंट आई है, प्लस टू पास कैंडिडेट्स भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर एज ए कस्टमर डीलिंग के अंदर जॉब रहेगी। और कोई भी टारगेट नहीं है, सभी सोचते हैं कि मुझे फील्ड वर्क में टारगेट मिलेगा, तो आपको कोई टारगेट जॉब नहीं है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स आपको यही है, लोकल करनाल का कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकता है, और विलेज से भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं ऐसे वीडियो जल्द से जल्द और भी प्रोवाइड करवाऊंगा, और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं कल इस इंटरव्यू दीजिए, 3 मार्च को और 4 मार्च के बीच में दोनों दिन में आपको बैंकिंग में इंटरव्यू लाइनअप करवा दिए जाएंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मेरे कैंडिडेट्स पे जो मैंने वीडियो के अंदर नंबर भी दिए हैं अपना, इसी वीडियो पे आप कॉल भी कर सकते हैं नंबर से। और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे को इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, अपना सीवी भेज दीजिए, मैं आपको कॉल भी कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको करनाल की लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ,
आज की बहुत ही अच्छी न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि करनाल के अंदर लिबर्टी कंपनी की चैनल के बेस पे कंपनी आई है, उसके अंदर मुझे सेल्स एग्जीक्यूटिव की और ऑफिस एग्जीक्यूटिव की और सेल्स एग्जीक्यूटिव के अलावा फ्रंट ऑफिस के लिए और टेलीकॉलर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स निकली हैं मेल्स फीमेल्स के लिए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि करनाल के अंदर लिबर्टीज़ की कंपनी जो थर्ड चैनल पर काम करती है, इसके अंदर मुझे एज ए हेल्पर के बेस पर रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जो 10+2 और मेल्स और फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 8-10,000 रहेगी ऑफिस बॉय की। और इसके अलावा मेरे पास एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आई है, उसके अंदर मेल्स फीमेल्स ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। टाइमिंग 10-6 की रहेगी और सैलरी 50-25,000 की रहेगी। लोकेशन आपको नियर बाय बस स्टैंड की मिल जाएगी। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसके बाद मेरे पास एज ए एक्सिस बैंक के अंदर रिक्वायरमेंट्स निकली हैं और उत्कर्ष बैंक के अंदर रिक्वायरमेंट्स निकली है, एज ए अकाउंट ओपन की पोस्ट रहेगी। फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। 15-16,000 सैलरी रहेगी और अकाउंट्स के अंदर आपकी सैलरी रहेगी। इसके अंदर आपको एज ए अकाउंट ओपन करने होते हैं सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट्स। और इसके अलावा आप बेनिफिट्स आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसके अंदर PFASA आपका इंक्लूड रहेगा और ओवरऑल जॉब रहेगी। जो भी आपको लगता है कि आपको ज़्यादा इंक्वायरीज चाहिए इस चीज़ के बारे में, तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के लिए बेनिफिट्स कर सकता है। और मैं आपको इससे ज़्यादा और हेल्प करवा पाऊँ तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और मेरी जो भी वीडियो आती है उसकी अपडेट आप तक पहुँचती रहे, उसके लिए आप मेरे चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन से आपके पास जो भी हम पोस्ट डालते हैं तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। इसके अलावा मेरे पास सेक्टर 3 में प्रिंटिंग प्रेस की कंपनी के अंदर एज ए टेलीकॉलर्स की फीमेल्स की रिक्वायरमेंट निकली है, उसके अंदर आपको टेलीकॉलर के साथ एज ए कंप्यूटर वर्क भी मिल जाएगा। जो BA+2 पास अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अंदर मुझे ओनली फीमेल्स कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसके अलावा मेरे पास आज सेक्टर 12 के अंदर भी रिक्वायरमेंट आई हैं, वो एज ए रिटेल्स की कंपनी है, इसके अंदर मुझे एज ए अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट है। मेल फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर टैली और GST और बैलेंस शीट्स की नॉलेज हो। ऑनरोल जॉब रहेगी, डेल्स की कंपनी रहेगी और लोकेशन आपको सेक्टर 12 की मिल जाएगी। और आपको ये वीडियो लगती है कि अच्छी है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो गाइज, कैसे हैं आप? जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको करनाल की लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ। आज 25 फरवरी है, जो कि बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको करनाल के अंदर गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। हमारे पास एक NGO ओपन हो रहा है करनाल के अंदर, और इसके अंदर मुझे 8th, 10th और 12th पास भी कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि पोस्ट रहेगी केयर टेकर के लिए, जो कि एक बुजुर्गों की सेवा के लिए हम ओपन कर रहे हैं। ये पोस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो बुजुर्ग होते हैं, जो वृद्ध आश्रम में छोड़ चुके होते हैं अपनी फैमिली वाले मेंबर्स, तो उनकी सेवा के लिए हमें ये NGO ओपन किया है करनाल के अंदर। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो अपने माता पिता को मिस करते हैं या अपने दादाजी को या दादी जी को मिस करते हैं, वो भी यहाँ पर आके टाइम थोड़ा स्पेंड कर सकते हैं। और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो वर्किंग करना चाहता है, उसको हम सैलरी भी अच्छी देंगे और रहने के लिए फैसिलिटी भी देंगे। और इससे बड़ी बात आपको और क्या चाहिए कि करनाल के अंदर आपको केयर टेकर की सेवा करने का मौका मिल रहा है। जो बुजुर्गों की सेवा के लिए हम भी सोचते हैं कि चलो हम कहीं ना कहीं से थोड़ा पुण्य भी कमाएं, तो ये वीडियो उनके लिए मैं बना रहा हूँ। इसमें आपसे किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ जॉब कंसल्टेंसी दिनदर छाबड़ा जी की ओर से आपको ये जॉब हम प्रोवाइड भी करवा रहे हैं। और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकता है और अपना रिज्यूम बायो डाटा भी भेज सकता है। जो आपको ये वीडियो अच्छी लगती है कि हमें जिनको हम मिस करते हैं उसको हम थोड़ा सा अपने उनको याद कर सकते हैं उनके रूप में, तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद था। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और जो आपको ये वीडियो अच्छी लगती है आप इसको शेयर कीजिए। मुझे कम से कम 10 से 15 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सैलरी पैकेज हम बहुत अच्छी देंगे आपको जो जॉब करना चाहता है। इसमें उनको खाना खिलाना, उनसे बातें करना, उनको घुमाना, उनकी सेवा करना, तो ये वर्क रहेगा। इसमें मेल और फीमेल कोई भी पर्सन इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इसको
विजिट कीजिए हमारे ऑफिस के अंदर। जो आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि आपको जो भी वीडियो आती रहेगी करनाल के अंदर सबसे पहले मैं आप तक प्रोवाइड करवा पाऊँ। उसके लिए थैंक यू सो मच।